गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप सबको सेंटर ऑफ मास पता है, तो हम लोग उसको कैसे फॉर्मूला के बेस पे कैसे कैलकुलेट करें। आपको एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल के तीन पॉइंट दे दिए, ए बी एंड सी। ऐसा बोला है कि आप उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। बेटा ऐसा जब भी पूछा हो तो कौन कौन से पॉइंट है, तो पॉइंट ए बी सी उसके मास कितने हैं, तो यहां पे लिख दो 100 ग्राम, यहां पे लिख दिया 150 ग्राम, यहां पे लिख दिया 200 ग्राम। जैसे ही मास मिल जाएगा उसके बाद में x कंपोनेंट और लास्ट में y कंपोनेंट। दोस्तों ये चीज आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं, अगर आपने इसको अच्छे से बनाना सीख लिया तो ऐसा नहीं कि यही न्यूमेरिकल, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और आपको बहुत ही इजी तरीके से, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल होगा जो आपको परेशान नहीं करेगा। तो पहली बात दोस्तों, हमने जो पॉइंट लिया है वो ए पॉइंट, कहां पे है दोस्तों, तो ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो, वाई कंपोनेंट भी जीरो। दूसरी बात बी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आपको 0.5 दिया है, यानी x कंपोनेंट हो गया 0.5, जबकि ये x एक्सिस पे है तो उसका y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन c पॉइंट, यानी देखो ये 0.5 ही है तो मैंने 0.5 दोनों जगह पे लिख दिया, क्योंकि ये टू डायमेंशन है, x और y के बीच में है, पर इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो इसका एंगल दोस्तों 60 होगा, इसलिए पहला आएगा cos 60, दूसरा आएगा sin 60। चलो 0.5 वैसा का वैसा, cos 60 की वैल्यू आप सब जानते हो 1/2, यानी ये मेरा हो गया 0.25। ये 0.5 याद करो दोस्तों √3/2, यानी ये 0.25 √3। ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि दोस्तों ये जैसे ही आपको मिल जाएगा तो आपको देखो इसके बेस पे x कंपोनेंट का याद करो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, xn इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बस सिंपल सा हमारा काम हो गया दोस्तों, m1 यानी इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0, यानी m1x1, 150 m2 मल्टीप्लाई विथ 0.5, 200 मल्टीप्लाई 0.25 अपॉन टोटल मास, यानी इन सब का एडिशन दोस्तों 450। ये सबको मैंने कैलकुलेट कर दिया, मेरा आंसर 0.28 मीटर। बोलो मेरा x कंपोनेंट रेडी हो गया दोस्तों। जैसे x कंपोनेंट मिल जाए मैं आपको बोलता हूं बस वही मेथड से आप जाओ और y कंपोनेंट का फाइंड करो। चलो यही फॉर्मूला y के लिए अप्लाई करो दोस्तों, क्या लिखोगे आप, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब यहां देखो दोस्तों 100 इंटू 0 तो 0, 150 इंटू 0 0, तो ध्यान से देखो क्या आया 200 इंटू 0.25 इंटू √3 डिवाइड बाय 450। इसका कैलकुलेट करोगे तो 0.19। देख सकते हो आपको दोनों का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मिल गया। मोस्ट इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका बेहतरीन हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपको तीन ऐसी पतली सी थीम, आपको ये प्लेट दे दी है, चलो इसके लिए भी आपको ट्राई करना है, तो C1 C2 C3 चलो आपको इजीली आ जाए, इसलिए मैं थोड़ी स्पेस कम करके आपको ये तीनों समझाता हूं। चलो C1 C2 रेडी हो गए, C3 भी रेडी हो गया। अब ध्यान ये रखना है दोस्तों, अब आपको उसका मास लिखना है। आप समझ सकते हो सबका मास इक्वल होगा, यानी सबका मास 1 केजी है, यानी 1 1 1।
यूनिट लिख सकते हो दोस्तों, ये केजी में यूनिट लिख दिया मैंने मास का, पहली बात क्लियर। अब ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें एक्स कंपोनेंट लिखना है और लास्ट में वाई कंपोनेंट। बेटा ध्यान रखना, प्लीज गलती मत करना। चलो ये हमारा पहला पॉइंट। अब इसको देखो, एक्स कंपोनेंट इसका मीड हो जाएगा, मीड होगा तो हाफ होगा, यानी ये वन है तो इसका हाफ क्या हो गया दोस्तों, 0.5। बिल्कुल वैसे वाई कंपोनेंट का भी ये मीड हो जाएगा, यानी 0.5। दूसरी बात C2, तो 1 के ऊपर है, देखो यहां देख सकते हो 1 के ऊपर 0.5, तो ये हो गया 1.5, जबकि y कंपोनेंट तो यही आ रहा है, यानी 0.5। आगे बढ़ते दोस्तों, ये वाला पॉइंट, तो x कंपोनेंट इसका इक्वल होगा, यानी x कंपोनेंट 0.5, 1 के ऊपर ये है तो 1.5। चलो दोस्तों, यही तरीके से आप मेरे को ये जो सिखाया था बिल्कुल वही तरीके से सिखाओ। xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास, यानी m1 m2 m3। चलो फटाफट रेडी होके लिखो, तो 1 इंटू 0.5 तो 0.5 होगा, 1 इंटू 1.5 यानी 1.5 होगा, 1 इंटू 0.5 यानी 0.5 अपॉन टोटल मास, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी टोटल मास दोस्तों हो गया 3, इक्वल टू इन सबका एडिशन कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.5 डिवाइड बाय 3। अच्छे से लिखो तो 25 डिवाइड बाय 30, यानी ये हो गया दोस्तों मेरा 5/6। बोलो मेरा xcm रेडी हो गया। अगर इसका यूनिट मीटर लिखना है तो मीटर लिख दो, जो है आपको डेटा में दिया है वही आएगा। जैसे ही आपको xcm मिल गया, चलो खुद ट्राई करो दोस्तों, ycm मतलब क्या लिखोगे आप, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो दोस्तों काम हो गया हमारा, ट्राई करते हैं अच्छे से। चलो स्टार्ट, 1 इंटू 0.5 तो ये हो गया 0.5, 1 इंटू 0.5 ये भी हो गया 0.5, 1 इंटू 1.5 ये 1.5 डिवाइड बाय 3। तो अभी कैलकुलेट किया बिल्कुल वही आ रहा है दोस्तों, यानी 25 डिवाइड बाय 30, तो ycm भी आपका रेडी आया 5/6 मीटर, यानी ये सिमेट्रिक डायग्राम हो रहा है, दोनों का x और ycm इक्वल आ रहा है। जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल HCl मॉलिक्यूल, सपोज इसको हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर दूं, ये मेरा H, ये मेरा Cl। चलो इसका मास, चलो पहले काम बोल दो मास m1, तो m1 इज इक्वल टू मैंने लिख दिया m और m2 इज इक्वल टू लिख दिया 35.5 m, इतना गुना है। और डिस्टेंस बिटवीन टू आपको डेटा के अंदर दिया है, ये रहा डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो सर अभी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसको मैं ऐसा बोलता हूं दोस्तों, ये उसका ओरिजिन ले लो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 और ये आपका x2 इज इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रॉम। बस ट्राई करो। चलो दोस्तों, जो सेंटर सपोज मैं एज्यूम करता हूं यहां हमारा सेंटर आता है, तो क्या था फॉर्मूला, दो पार्टिकल है तो xcm दो ही पार्टिकल है, तो क्या लिखेंगे, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो दोस्तों कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ, m1 इंटू x1 यानी m इंटू 0, m2 यानी 35.5 इंटू m इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन दोनों का एडिशन, यानी m प्लस 35.5 m। दोस्तों ये जीरो से कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करो, यानी वो तो कट हो गया, तो ऊपर वाला फिर से लिख दे 35.5 m 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 36.5 m। देख सकते हो mm कट, इन सब का फास्ट कैलकुलेट कर दो, 1.2345 एंगस्ट्रॉम। देख सकते हो दोस्तों आपको xcm बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल गया, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.24 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते।
ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, दोनों न्यूमेरिकल आपके सामने है, अच्छे से लिख दो, नोट डाउन कर दो, आईएमपी है दोस्तों।